शिप्रा जी, हमने के जे सेगमेंट है देसी छौंका, एमे खास देसी ठेठ और पारंपरिक व्यंजन बनावल जाला। ऐसने कोई व्यंजन रउआ के बनावे के होई, तैयार? बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो का बना रहल बानी? आज हम बनाएंगे सोया ग्रैनुल्स, जो सोयाबीन आता है उसके चूरा आता है, उसके भर के पराठे। क्या बात है, सोयाबीन के पराठे! वाह भाई, सुन के मुंह में एकदम पानी आ गल बा। तो भाई एकदम देर ना करी, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठी, काका जरूरत के सामान हमने के चाहिए बनावे खातिर, एकरा के नोट करी फटाफट। बतानी काका इंग्रेडिएंट्स की जरूरत बा? बिल्कुल, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सोया ग्रैनुल्स, ये बाजार में ऐसे हमें मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जीरा, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और तलने के लिए तेल। तो बिल्कुल देर ना कर जाओ, जल्दी जल्दी बताएं कि बनावे के विधि का बा। गैस चल गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें करीब 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा सा जीरा चटक जाएगा तब हम इसमें ये जो प्याज है, ये मैंने बहुत बारीक काटा हुआ है, इसको डालेंगे। ठीक है, सही भरावन बने के तैयारी हो रहा बा, जो पराठा खातिर पूरन होला, भरावन होला हमने के कहे नहीं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और ये जो हमारा ग्रैनुल जो हमने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखे हुए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। कितनी लोग के खातिर रुआ बना रहल बानी ये? आप आराम से घर में चार लोग अगर हैं तो आराम से एक कप चूरा, एक प्याज और एक हरी मिर्च अगर आप चाहें, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा पड़ा हुआ है इसमें। गैस हम थोड़ा धीमा कर देंगे क्योंकि ये बहुत जल जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ग्रैनुल्स का जो कलर है, जब वो पकने लगता है ना तो थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले ये हल्का सा सफेदी में रहता है, लेकिन जब ये पकेगा तो भुनते भुनते हल्का सा वो, देखिए अभिलाषा ये हो गया। अब इसमें हम हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमें ज़्यादा आग पे नहीं रखना है, हम इसको गैस बंद करके हरा धनिया बाद में डालेंगे। इसे हम इसमें खाली कर लेते हैं और थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल, ये एकदम गर्म भाई, बिल्कुल नहीं, और गर्म अगर आप भरेंगे ना तो फिर पराठा वो फटने लगता है, ये भरावन जो बा वो बाहर आवे लगी। तब तक हम अपना आटे का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। आटा हमें सानना है, थोड़ा सा नमक और घी डाल के, और बहुत कड़ा नहीं सानना है, सॉफ्ट सानना है। आटा लेंगे और उसका ऐसे ऐसे गोल पेड़ा बनाएंगे पहले। अब ये जो हमारा मटेरियल है, देखो ये अभिलाषा ठंडा भी हो गया है, अब हम इसको इसमें भर लेंगे। तो बस हम इसमें हल्का सा परथन लगाएंगे और इन्हें बेल लेंगे। तो अब तवे में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे। पहले ही यहाँ पर तेल डालल गई बा ताकि चिपके ना, काहे कि चिपकी तो स्टफिंग जोन बा, भरावन जोन बा, वो बाहर आ सकेगा। वैसे भी पराठे के लिए कहते हैं कि उसको धीमे आंच पे अगर आप हल्का सा प्रेस दबा दबा के उसे सेकते हैं, बहुत ही करारा और बढ़िया बनता है। वैसे पराठा जोन बा क्या चीज़ के साथ रोआ एक रखे इसको आप? देखिए ये तो ग्रैनुल्स हैं, सोयाबीन है, तो इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, और दही तो हरी चटनी के साथ तो बहुत ही मजेदार लगता है। क्या बात है, पराठा तो एकदम तैयार बा, सिक्के बहुत सोना बढ़िया सेहत से भरा महक इसे आ रहा बा। इसे हम हरी चटनी के साथ खाएंगे, रेडी हो गया, बिल्कुल गरम गरम पराठा तैयार बा। सोयाबीन के पराठा बनावे के विधि, एगो पैन में तेल डाली, ओमे 1/4 चम्मच जीरा डाली, फिर ओमे काटल प्याज, हरी मिर्च,
भीजल ग्रैनुअल सोयाबीन और संगे डाली स्वाद अनुसार नमक। एकरा बाद डाली गरम मसाला और बारीक काटल हरा धनिया। ओकरा बाद आटा के थोड़ा तेल और नमक डाल के नरम नरम गूथ ली। आटा की लोई बनाई, ओमे मिश्रण भर के हल्के हाथ से फैला ली। ओकरा बाद ओके पराठा नियन बेल ली। तवा में पहले तेल लगा ली और अब पराठा सेकी। तैयार बा सोयाबीन ग्रैनुअल्स पराठा।